तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधिका रेरन ब्लॉग्स। सो बेसिकली मैं इस गिम्बल का बहुत अवेटेडली इसका रिव्यू करना चाहती थी। मैंने कुछ टाइम पहले ही अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था DJI Osmo 3 गिम्बल, एंड ये मुझे कुछ 8,000 का पड़ा था। एंड ये मैंने पूरा कॉम्बो ऑर्डर किया था। इसके साथ ट्राईपॉड भी आया था, जैसे आप कुछ फोटो में देख रहे हैं, ये ट्राईपॉड आया था एंड इसके साथ बहुत सारी स्पेसिफिकेशन आई थी। आई नो मैंने अभी पूरा डब्बा वब्बा खोल लिया था एंड अभी मैंने इसके डब्बे को रखा हुआ था ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ ये किस तरीके से आया था। सबसे पहले तो ये चीज़ आई थी इसकी, एक अच्छे से बॉक्स में आया था, तो सबसे अच्छी चीज़ है सेफली आया था और डिफेक्टिव इफेक्टिव कुछ भी नहीं था। ये सारी चीज़ें आई थी। अगर मैं आपको बता दूँ गिम्बल क्या है, जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना इसको बहुत ज़्यादा इसकी नीड होती है। मैं पहले सोच रही थी Osmo 4 ले लूँ, लेकिन Osmo 4 ना मैग्नेटिक है और ये मैग्नेटिक है नहीं। ये जहाँ पे आपका मोबाइल लगता है ना, वहाँ मैग्नेट फोर्स है कि आपके पीछे भी, मोबाइल के पीछे भी एक चिप लगेगी और यहाँ पे भी एक चिप लगेगी, तो वो मैग्नेट से चिपक जाएगा। मैग्नेटिक रिटेंशन है, लेकिन वो लॉन्गर टाइम तक सही रहती ही नहीं है। तो मेरे ब्रदर ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे Osmo 3 लेना चाहिए, तो मैंने ये ले लिया। और इसके साथ मैं आपको बताती हूँ, इसको लेने से पहले ना मैंने सबसे पहले अपने फ़ोन का वेट और इसका वेट देखा था। मेरा iPhone 12 Pro है, तो उसके वेट के अकॉर्डिंग मुझे इसका वेट चेक करना पड़ा था। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ इसी के साथ साथ, जो इसका आया था, ये आया था ट्राईपॉड। तो ये भी बहुत अच्छे पाउच में आया था एंड ये रहा छोटा सा ट्राईपॉड DJI का। अब ये क्या होता है, आसानी होती है, हम इसको ना आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। हम पूरा, मैं आपको इसका सेटअप करके एंड इसको फ़ोन से कनेक्ट करके अभी दिखाऊंगी। कुछ दिन मुझे भी लगे थे इसे समझने में एंड ये ऐसे भी हो जाता है अगर आपने इसको कहीं टिकाना हो तो इस तरीके से। अदरवाइज़ मैं इसको इस तरीके से पकड़ के आराम से ब्लॉगिंग कर सकती हूँ। इसके साथ साथ हमें और क्या मिला था, इसके साथ साथ हमें इसकी चार्जिंग की USB मिली थी, ये रिचार्जिंग, ये सम स्टिकर्स, तो मेन काम इसका है तो हम इसको चार्ज कर सकते हैं। एंड अब तक टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से आया मैं इसको चार्ज नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला, लेकिन इसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छी है। मैंने इसको पूरा एक दिन यूज़ करा ना, अब तक इसकी बैटरी ख़राब नहीं हुई, ये ख़राब क्या ख़त्म नहीं हुई। अगर मैं आपको बात करती हूँ कि इसको कनेक्ट कैसे करना है, तो इसको कनेक्ट करने का एक सिस्टम है। हम इसको पहले इस तरीके से खोल लेंगे। अब यहाँ पे ना बटन्स दे रखे हैं, तो स्पेसिफिकली ये वाले बटन से ये ऑन हो जाएगा एंड यहाँ पे चार्जिंग रिफ्लेक्ट होती है। एंड प्लस ये ना जैसे हम ऑन करते हैं हल्का सा वाइब्रेट होता है और यहाँ पे भी लाइट आती है। अब मैं क्या करूँगी, इसके लिए हमें ब्लूटूथ की रिक्वायरमेंट होती है और एक DJI Osmo ऐप है, उसको आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की तरफ ले चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन। तो गाइस, ये है मेरा DJI Osmo ऐप। मैं इस पर आई, सबसे पहले मैंने ऊपर से ब्लूटूथ ऑन कर लिया ताकि डिवाइस पेयर होना स्टार्ट हो जाए। देखो ये फाउंड एंड ये साथ के साथ कनेक्ट हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, अपने गिम्बल पे इसको कनेक्ट करूँगी। किस तरीके से, अब मुझे इसकी प्लेसमेंट अच्छे तरीके से करनी है कि मेरा फ़ोन इस पर स्टेबल रहे। अब ये कनेक्ट हो गया एंड ऑटोमेटिकली ये गाइस, बेसिकली ना क्या है इस गिम्बल का सिस्टम, ये ना बाय डिफॉल्ट वर्टिकल पोजीशन में होता है। अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करना है ना, तो आपको दो बार डबल एम दबाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दो बार डबल एम दबाया तो अभी वर्टिकल में आ गया। वापस इसको मैं हॉरिजॉन्टल में लेके जाने, दो बार डबल एम तो ये वापस से हॉरिजॉन्टल में चला गया। तो ये मेरी सबसे पहली प्रॉब्लम थी जो मैंने बहुत ज़्यादा फेस करी थी इस गिम्बल के साथ। सो गाइस, अभी हॉरिजॉन्टल मोड में हो गया। अब मैं पता क्या करूँगी, सो बेसिकली देखो इसके अंदर जो ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये क्या दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इसकी मूवमेंट क्या है, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, इस तरीके से। एंड अगर आपने जूम इन एंड जूम आउट करना तो इस साइड के ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, प्लस 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 कर गया, ये जूम हो गया, नीचे लेके आई, जूम आउट हो गया। इस हिसाब से इस गिम्बल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, अब पता क्या होता है कि मेरी पुरानी वीडियोस में क्या हो रहा था कि कैमरा ना बहुत शेक हो रहा था, ना एस मूवमेंट होती थी। अब ना इसकी बहुत क्लियर मूवमेंट होती है कि आकर ऊपर लेके जाना, साइड में लेके जाना, जैसे लेके जाना आप इसकी प्लेसिंग कर सकते हो। डबल एम से आप इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लेके आ सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है, इसका ये स्टैंड, मैं इसको आराम से पकड़ के घूम सकती हूँ। अदरवाइज अगर मैं इसके बिना मंगवाती ना, इसी के एक्स्ट्रा पैसे मुझे भरने पड़े हैं। अदरवाइज ये कुछ 7,000 समथिंग का था, लेकिन कॉम्बो में मुझे 8,000 का पड़ा, मुझे इसके एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ रहे हैं। इसके साथ ना ये थोड़ा कंपैटिबल लगता है मुझे कि बड़ा सही है और हम इसको आराम से लगा सकते हैं। अगर मैं आपको अपने गिम्बल का रिव्यू दूँ, तो अब तक मुझे कैसा लग रहा है, मुझे ये गिम्बल बहुत अच्छा लग रहा है।
कि जितना मैंने इसको यूज करा इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड मिल जाएंगे जिस हिसाब से आप वीडियो बनाना चाहते हो। जैसे आप खोलोगे ना आपको ये ऑटोमेटिकली गाइड करेगा, अगर आपने इस तरीके की वीडियो बनानी है तो यू नो ये आपको स्टेप्स देगा कि ऐसे ऐसे बनाते रहो, तो आप इसको बना सकते हो। उसके बाद मैंने काफ़ी वीडियोज यहाँ पे शूट भी कर रखी हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने यहाँ पे प्रोफाइल पे, कोई अगर हमने यहाँ पे अपलोड कर रखी हो वीडियो तो वो आ सकती है। इस हिसाब से हम वापस से होम पे गए, उसके बाद यहाँ कैमरे वाले ऑप्शन पे गए, क्रिएट पे आए एंड यहाँ से हम बहुत सारे मोड्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद ये डायना जूम है, उसके बाद टाइम लैप्स है, उसके बाद हमारे बहुत सारे फीचर्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। देखो अब तक मैंने जो यूज़ करके देखा है वो हमारा वीडियो वाला यूज़ करके देखा है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके अंदर बहुत अच्छी खासी शूटिंग कर रखी, जिसे अभी मैंने आपको बताया अप डाउन वर्टिकल लेफ्ट, और उसके बाद डबल एम से सही पोजीशन पे आ जाता है एंड ना काफ़ी स्टेबल है, लाइक फ़ोन गिरने का डर भी नहीं रहता जितना इसको आप शेक कर लो, फ़ोन डरने का डर नहीं है। और उसके बाद अपना क्या कहते हैं, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने मोबाइल का वेट एंड गिम्बल का वेट देख के ही ऑर्डर करना है, ये ना हो कि आप ना बहुत लाइट सा गिम्बल ऑर्डर कर दो एंड आपका फ़ोन खतरे में आ जाए, लाइक गिर विर ना जाए, तो इंश्योरेंस करा लेना अपने फ़ोन की। तो बेसिकली अब हमारा गिम्बल का यही रिव्यू था एंड आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ऑस्मो गिम्बल 3 लेना ही लेना चाहिए, डीजे आएगा 4 भी आप ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, मुझे उससे अच्छा भी 3 लगा है एंड इसके साथ आप बहुत कंपैटिबल है एंड इजी टू यूज़ है, लाइक मुझे ऐसे लगा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। ऑफकोर्स 3-4 दिन लगते हैं यू नो इसको यू नो इसके साथ हैंडी होने में, बट बहुत अच्छा लगा मुझे एंड आप भी अपना मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स आते जाएंगे मैं उन सबका रिव्यू देते जाऊंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद अदर्स, थैंक यू सो मच।